जब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ये नेचुरल कॉल है जो बाथरूम्स बने हैं जगह जगह, तो ये कह रही है जब आपको फ्री में कोई जगह मिलती है, व्हाई दे वुड पे, तो मतलब टेल द टाइम पीपल विल अंडरस्टैंड, पीपल विल बिकम अवेयर. अगर उसमें पैसा ना रखा जाए तो ऑब्वियसली एज पर हिज थॉट, ये मेरी भी सोच है कि लोग फिर बाथरूम जाएंगे. यहाँ पैसा जब लगता है इकोनॉमी, तो अवेलेबिलिटी दूसरी जगह है. इफ देयर वाज नो अवेलेबिलिटी तो लोग जाते पैसा देने के, बट देयर इज अवेलेबिलिटी कि भाई बाहर कर सकते हैं. सो उस चीज को मद्देनजर रख के आई थिंक कि ये जो मतलब इसमें मिनिमम जो भी पैसा रखा है, चलो कोई मतलब नॉलेज वाला आदमी जिसको अवेयर है, जिसको ये सोच है भाई पानी में बाथरूम नहीं करना चाहिए, या रिलीजियस का अगर किसी ने समझा है, हमारे मजहब में पानी में पेशाब करना है, बाथरूम करना गुनाह है, जिन है, तो लेकिन लोग आज वी हैव बिकम मेटरलिस्ट, हमें मजहब से ज्यादा हम हैं तो मुसलमान है जिस मजहब से भी, लेकिन हम पहले ये देखते हैं आसान कहाँ से आसानी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से बचाते हैं, मतलब बाद में देखेंगे. तो आसानी मिलती है भाई यहाँ 10 रुपये देने से या 5 रुपये देने से, यहाँ दूसरा बाथरूम तो खुला है, चले जी इसी बाथरूम में चले जाए. अगर ये पैसा ना रखा जाए फॉर टाइमिंग की अवेयरनेस हो जाए सारे लोगों को, ये मतलब ये हमारे रिलीजियस जो इदारे हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी भी एक थॉट बनती है, वो मोस्ट लेवल पे लोगों को ये समझाएं भाई ये रिलीजियस भी गुनाह है. तो मेरा एक कंसेप्ट है कि डिस्ट्रिक्ट गालिब में इंस्टेड ऑफ अदर्स, हमारा यहाँ रिलीजियस कॉन्सेप्ट और रिलीजियस के लोग ज्यादा मानते हैं, ये तो हमने मानना पड़ेगा. हम मतलब बेशक कुछ इन्वेंटर्स हैं या पैसा बचाने के लिए इंसान उसको 2 मिनट के लिए भूल जाता है, अगर इस चीज को रोक दिया जाए, मतलब इन चीजों को फिलहाल टाइम बीइंग सारे लोग अवेयर हो जाए और रिलीजियसली भी लोगों को अवेयर किया जाए कि ये गुनाह है, तो मैं समझती हूँ इसकी थॉट के मुताबिक अगर उसमें पैसा ना रखा जाए तो लोग वहां नहीं जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वो ये डॉर्मेटरीज बनाई जाए दरिया साइड. तो ये जो प्रॉब्लम हमारी है, और जबकि पानी अब एक हमारा और है, पानी साफ है, चलता पानी साफ है यार, चलता पानी तब साफ है गलती से गंदगी चली, चलते पानी को बाथरूम बनाएंगे लेटरिन बना के चलेंगे, वो चलता पानी तो साफ नहीं, उसमें वजू भी नहीं आता है, जबकि आगे वो सारे लोग उसमें वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं. तो ये हम अपनी ही इबादत को खुद ही, मतलब मुझे नहीं लगता वो इबादत फिर किसी काम की है जहाँ लेटरिन के पानी से वजू करके नमाज पे चला जाए. तो ये एक मास अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए रिलीजियस बेस पे भी. और ये जो इसका सवाल है, ये इसमें जो पैसा रखा गया है इकोनॉमी रखी, इसको खत्म होना चाहिए. आप बाथरूम बना के छोड़ दीजिए, उसके बाद उसकी हालत यही है, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर चीज जो है ये मुझे हमें द्रास में देखने को मिला. द्रास में उन्होंने क्या किया था, वहाँ गवर्नमेंट ने जो है कुछ बाजार के साथ में ही वहाँ कुछ बाथरूम बना के छोड़ दिए. उन बाथरूमों की वो हालत हो गई थी वहाँ, इतने पत्थर और हालत ये हो गए कि वो जो है यूज नहीं हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत देखिए, जो भी चीज हमें फ्री मिलती है हम उसकी कभी कदर नहीं करते, ये इंसानी फितरत है. इंसान जो है कभी भी कोई भी चीज फ्री मिलती है उसकी कभी कदर नहीं करता है जब तक कि उसको कोई कॉस्ट ना हो. यही चीज पहले हुआ है यहाँ गर्मी में भी, कम से कम पहले ये हुआ कि भाई ऐसे बाथरूम बना देंगे, लेकिन उन बाथरूमों की जो हालत हो गई उसके बाद ये मजबूरी आ गई कि भाई आप इसको रेगुलेट करें. अभी आप यहाँ तो छोड़िए, अभी तो फिर भी यहाँ पे आप बड़े बड़े सिटीज में जाइए, वहां गवर्नमेंट इतने बाथरूम नहीं बनाती, वहां स्विचेस शौचालय बन गए, इतनी बुरी हालत हो गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक एनजीओ है शौचालय बोल के, वो लोग बाथरूम्स बनाते हैं हर जगह पे, आप जैसे दिल्ली में जाए कहीं भी जाए, स्वच्छ शौचालय बोल के उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वहां पे बाथरूम्स बने होते हैं. अब इनकी जम्मू तक आए हुए, जम्मू से नीचे नहीं देखा उनको, जम्मू में बने हुए. तो ये प्रॉब्लम जो है इंसानी फितरत और इंसानी मैनेजमेंट को लेकर, अगर सिंपल बाथरूम बना दिया जाएगा उनकी बहुत बड़ी हालत होगी,
वो ऐसे हालत करेंगे कि इसका यूज करना ही नहीं है। और एक प्रॉब्लम जो करगिल में है वो हमारे गांव की अब एक लाइफ को लेके है, गांव की लाइफ। अब क्या होता है कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम ये है गांव में, क्या है कि सुबह सुबह आ जाते हैं और वो सुबह वहां बाथरूम नहीं जाकर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ रियाल में दौड़ते हैं कि भाई बाथरूम टूटते हुए भाग जाते हैं। वो एक बड़ी परेशानी है कि मैं बहुत ये चीज ये क्या हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। गाँव वाले हैं उनको इस चीज का कंसेप्ट नहीं है। अब बाकी जगहों से आपको बाहर के गांव से आया भी हरियाणा में, आज तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बाथरूम्स के मसले में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वी आर फार अहेड देयर रेस्ट ऑफ द इंडिया। आप कभी हरियाणा में जाइए या बिहार जाइए, मैं जब 2003-4